बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। टुडे इज 17 जुलाई 2020 एंड वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। टुडे आवर टॉपिक इज चेंज इन मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अंडरस्टैंड, हम पढ़ रहे थे, हमने से पहले मोमेंटम डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट उसी की एग्जाम्पल की फॉर्म में आ जाता है कि चेंज इन मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस कैसे काम करती हैं। तो सपोज करते हैं आपके पास एक बुलेट है, गोली है, जिसका मैस M1 है, फायर बाय अ गन ऑफ मैस M2। ठीक है, जो एक बुलेट फायर किया जाता है गन से, हम उन दोनों की एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करते हैं M1 मैस है आपके पास बुलेट का, M2 आपके पास गन का है। बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट वाज जीरो। ठीक है, फायरिंग से पहले दोनों की वेलोसिटी जीरो होती है, क्यों? क्योंकि दोनों रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, सो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देयरफॉर टोटल मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट वाज जीरो आफ्टर फायरिंग। फायरिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v1 एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ द गन इज v2। ठीक है, अब कहते हैं आपके पास क्या है, बिफोर फायरिंग बुलेट और गन की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या पढ़ा था? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बिफोर फायरिंग दोनों की वेलोसिटी आपके पास, मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ, यहाँ पे आपके पास M1 V1 प्लस M2 V2 होती है। ठीक है, M1 V1 जीरो प्लस M2 V2 जीरो, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? जीरो प्लस जीरो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डायरेक्ट जीरो लिख दिया। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग दोनों का मोमेंटम जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट पे होती हैं, जीरो हो जाएगा। आफ्टर फायरिंग हमारे पास M1 V1 आ गया, प्लस M2 V2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर M1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हमने साइडें चेंज कर ली हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये आपके पास प्लस आ गया। अब V2 आपके पास किसकी थी? हमारे पास गन की थी। ठीक है, तो M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो माइनस हमारे पास वेलोसिटी, नेगेटिव साइन यहाँ पे शो करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट गन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ बुलेट। ठीक है, ये हमने M2 क्या थी? गन का था ना, ये भी गन का था, ये भी गन का था। तो V2 किसकी वेलोसिटी थी? गन की वेलोसिटी थी। ठीक है, तो गन की वेलोसिटी किसकी इक्वल आ गया? माइनस M1, M1 मास ऑफ बुलेट, V1 मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड M2 मास ऑफ गन। ठीक है, तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया? ये बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया वेलोसिटी ऑफ गन का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो यही आपके पास किसको शो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जब आपके पास बुलेट फायर होती है, देखिए गोली, थर्ड लॉ भी आपके पास इस पे अप्लाई होता है, बुलेट आगे जाती है, गन को झटका पीछे लगता है। जैसे हम फायर करते हैं तो वो गोली आगे की तरफ जाएगी, लेकिन जो गन होगी उसे झटका पीछे की तरफ लगेगा। तो नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल की फॉर्म में आ गया, एग्जाम्पल आ गई कि इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की किस पे, हमारे पास फायरिंग ऑफ अ बुलेट की फॉर्म में आ गया, और इसका हमने फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। अंडरस्टैंड।